मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि एक नया पाकिस्तान बने, रियली मेरे दिल से दुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, रियली ऐसे कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ वाचिंग अवर्स बढ़ाने के लिए, मेरे यूट्यूब पे शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बात सही मैं नहीं कह रहा हूँ। हाय फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ बिजी हो गया था। और चलिए, आज की वीडियो में मैं एक लेजेंड को रिएक्ट करने जा रहा हूँ। उस लेजेंड का वीडियो आज मैं आपके आगे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। उस लेजेंड का नाम है इमरान खान। हाँ, इमरान खान। इमरान खान बोले तो यार, हम जब बचपन के थे तब खेलते होंगे, मैंने तो देखा नहीं लाइव पे कोई भी मैच, मगर मेरे अब्बा जान और मेरे चाचा जान जो भी मैं हम अपने ख़ानदान के हैं सभी देखते थे और इनकी तारीफ़ करते थे। इमरान खान पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी पॉपुलर है। इमरान खान की बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ऑलराउंडर कहा जाता था। इतना था कि इमरान खान के फैंस बहुत सारे थे अपने घर में ही। मेरे अब्बा जान बहुत ही पसंद करते हैं इमरान खान की क्रिकेट को, और उनको बहुत भी पसंद करते हैं, और इतना पसंद करते हैं कि कहीं भी हम गांव को जाते थे समर्स में, तो उधर कोई भी बच्चा हो जाए तो उनको इमरान खान नाम रखा जाता था और अफरीदी नाम रखा जाता था। अफरीदी, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब फेमस है इंडिया में, बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ उनका नाम। चलिए आज उनकी वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। कोई सब्सक्राइबर, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड ये रिएक्ट करने के लिए बोला था, और धन्यवाद कहता हूँ उनसे। और चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। मेरा नाम सादिक, आप देख रहे हैं मैड वर्ल्ड चैनल। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1 2 3। अब दुनिया को दिखा दें कि पैसे और जुनून की जंग में नौजवानों का जुनून एक नया पाकिस्तान बनाएगा। इंसान के हाथ में अल्लाह ने कोशिश दी है, कामयाबी उसके हाथ में। लीडरशिप, ऑल ऑफ अस हैव द एबिलिटी टू बी लीडर्स। क्या कि हम इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं भी जीते, ओके, पॉलिटिक, तो कम से कम अगर मैं कोशिश करता रहूंगा और मैं उनकी एंड में पार्टी भी है यार, को ये कह सकूंगा कि मैंने अपने मुल्क के लिए कोशिश पूरी की। कभी भी ये जमीनी हकायक, ये रियलिज्म, इसके कभी खुदा के वास्ते गुलाम ना बनना। कोई बड़ा काम नहीं करोगे रियली। अगर आपने दुनिया में कोई बड़ा काम करना है तो आइडियलिज्म लेके और बड़े ख्वाब देखो, उनके रास्ते में ना चलो कि जी अच्छा जी ऐसी दुनिया चलती है, ऐसी हम चलते रहेंगे कि अच्छा जी यहां तो सियासत है ही करप्ट लोगों की, तो इमरान साहब आप क्या कर रहे हैं। दुनिया को वो लोग तब्दील करते हैं जो जमीनी हकायक को कबूल नहीं करते। एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर। व्हाट मेक्स अ लीडर? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द विजन। लीडर्स हैव ड्रीम्स, दोज ड्रीम्स आर बियॉन्ड द सेल्फ। देयर हैज नेवर बीन अ लीडर ड्रीम इज concentrated on the self. मुझे कहते थे फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, फिर कहते थे फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं बन सकता, फिर पाकिस्तानी टीम जब हम खेलने जाया करते थे शुरू में तो कहते थे कि इज्जत से हार जाओ, जीत नहीं सकते। तो आइडियलिस्ट होते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं। अगर मैं ये रियलिस्ट होता ना, मैंने क्रिकेटर बनना था। सारे मुझे कहते थे इमरान आपके कजन में ज्यादा टैलेंट है, आप में तो टैलेंट ही नहीं था। मैं जब बड़ा हो रहा था मैं जब पहला टेस्ट खेला, टीम से मुझे उन्होंने निकाल दिया और अखबार में हेडलाइन थी इमरान कांट। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की, 20 में से 19 डॉक्टरों ने कहा नहीं बन सकता पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल। तो ये जो सारी जिंदगी आपको लोग कहते रहेंगे कि ये नामुमकिन है, नामुमकिन सिर्फ वो चीज है जो आप एक्सेप्ट कर ले नामुमकिन, नहीं तो कोई चीज भी मुमकिन है। सही बात है।
इनकी कोई पार्टी है यार, मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी। ये पॉलिटिशियन में भी है। सुपर लग रहा है। इम्पॉसिबल एंड देन दैट ड्रीम इज, एज आई रिपीट, इज नॉट बेस्ड ऑन द सेल्फ। दे ऑलवेज थिंक बिगर देन देमसेल्व्स। इट्स आइदर द नेशन, द सोसाइटी, एंड देन दे स्ट्रगल टू अचीव दैट ड्रीम। Oh my God, ये क्या हुआ था यार? ये सीरियस लग रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुरान की आयत है, अल्लाह कहते हैं मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। सही बात है। यार मुझे फर्स्ट ये बताइए, इमरान जी को हुआ था क्या? वो लास्ट में देखे मैं तो शॉक हो गया यार, क्या हुआ था? प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या हुआ इमरान भाई को? वो हॉस्पिटल में, आईसीयू में लग रहे हैं यार। अच्छे हो गए, कुछ हुआ होगा। एंड यार मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस देखने से, है ना, कुछ मैसेज मिलता है, कुछ देश के लिए कुछ करने का दिल चाहता है यार ऐसे वीडियोस देखने से। और सल्यूट इमरान भाई, इमरान सर, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं उनको। उनकी उनकी बातों में पता चल रहा है कि एक बहुत ही अच्छे लीडर है और क्रिकेटर भी है, साथ में लीडर भी है। एंड यार उनकी कुछ पॉलिटिशियन पार्टी भी होगी, मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी। एंड उनके बातों से जोश, एक देश के बारे में भक्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी कोई उनका भाषण और उनका स्पीच सुन के। मुझे तो मोटिवेशनल दिख रहा है और अच्छे हैं, अच्छे अच्छे बातें कही हुई है इमरान जी ने। और मैं बहुत सारे वीडियोस इमरान सर के स्पीचेस सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ कोई स्पीचेस आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों। मैं अभी भी ज़्यादातर स्पीच देखना चाहता हूँ इमरान सर के। इमरान सर स्पीच बहुत ही अच्छे तरह दिए हुए हैं। नौजवान को एक नया पाकिस्तान तैयार करने की कोशिश में है इमरान सर। और मैं भी आशा करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि एक नया पाकिस्तान बने। रियली मेरे दिल से दुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, रियली ऐसे कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कुछ वाचिंग अवर्स बढ़ाने के लिए, मेरे यूट्यूब पे शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, ये बात सही मैं नहीं कह रहा हूँ। उनके बातों से सच्चाई पता चलती है, उनके बातों में एक सच्चाई है, रियली मुझे लगता है उनके बातों को देख कर। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं दुआ करता हूँ कि वो जो सपने देखे हुए हैं पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान बनाने की, वो सपने अल्लाह ताला कबूल करें और अच्छी एक नई पाकिस्तान बनकर आए, हम भी चाहते हैं। और जो भी हो, भाई हैं पाकिस्तानी, अपने भाई हैं, अपने ही देश से गए हुए हैं, और एक पड़ोसी मुल्क है वो भी अच्छा रहे, हम भी अच्छे रहते हैं, और सब पड़ोसी अच्छा रहना चाहिए एशिया की कंटिनेंट। और यार ये स्पीच देख कर मैं तो इमोशनल हो चुका हूँ। लास्ट में जो मैंने देखा, इमरान सर हॉस्पिटल पे लेटे हुए हैं और फिर भी देश के बारे में बोल रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं, कुरान के बारे में बोल रहे हैं। आई लव यू इमरान सर, आई लव यू। एंड यार अभी स्पीचेस बहुत देखना चाहता हूँ इमरान सर के, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच यार, जिसने भी ये वीडियो देखने के लिए कहा उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एंड मोटिवेशनल वीडियो था ये, रियली ऐसे ही कुछ लीडर रहना चाहिए देश में, देश की भलाई होगी। और
अभी बहुत सारे, जितना बोलूं कम है यार इस वीडियो के बारे में, अभी बोलता रहूँगा, बहुत ही लंबी हो जाएगी वीडियो। एंड आई एम प्रेस इमरान सर, और आई एम प्रेस क्योंकि मैं फास्ट बॉलर भी था, उन्हीं की तरह स्टाइल करता था बॉल में, और अमेजिंग यार। जो भी कमेंट्स में लिंक्स भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए, मैं उसका रिएक्ट करूँगा। और सॉरी इसलिए क्योंकि मैं लेट बनाया, ये कमेंट्स आके मुझे 5 या 4 डेज बैक आया हुआ था, तो मैं कुछ बिजी था मेरे कामों में, तो मैं आप जाकर अपलोड किया इस वीडियो को, सॉरी आई एम सॉरी। फिर मैं जल्दी अभी बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए न्यू अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा नाम सादिक, आप देख रहे हैं मैड वर्ल्ड चैनल। खुदा हाफिज़।